पहाड़ी तो आप में से कितने लोग हैं जो गैस कर सकते हैं कि पहाड़ी सॉन्ग को सुन के हम कहाँ जा रहे होंगे वैसे तो आप लोगों को समझ ही जाना चाहिए अब तक कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और पहाड़ी सॉन्ग लगा है तो इसका मतलब तो आप समझ जाइए कि हम जा रहे हैं जी बिल्कुल सही जिन लोगों ने समझा वहीं जा रहे हैं जहाँ पे जाना हमें बहुत अच्छा लगता है अक्सर हम जाते हैं और इसी रास्ते अब देखिए जो लोग कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखते हैं वीडियोस देखते हैं वो तो समझ ही गए होंगे इस पुल को देख के कि हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है जो लोग कंटिन्यू शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं कि ये पुल हमें ले जाता है कहाँ ये पुल हमें ले जाता है बिल्कुल सही जिन्होंने सोचा और समझा कि अब ये गेट देख के आप समझ गए होंगे मैं जानती हूँ कि नाइन्टी परसेंट लोग समझ गए होंगे कि ये पुल ले जाता है हमें हिमाचल की तरफ तो हम जा रहे हैं हिमाचल कहाँ ये मैं जल्दी बताऊंगी और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हिमाचल में हम कहाँ जा रहे हैं तो हमारी एक दो दिन की छुट्टियाँ हैं तो हम इसीलिए अपना छुट्टी इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए फ़्रेश होने के लिए होता है ना सभी को कि एक बार काम मतलब आप करो चार पाँच महीने काम करिए और इसके बाद थोड़ा सा आपको चिल आउट करने के लिए चाहिए होता है कुछ तो उसके लिए जा रहे हैं और ये बैरियर आ गया था यहाँ पे हमने फिर जो है टूल बैरियर आपको पता ही है हिमाचल में एंट्री करते हुए तो चलिए जरा गाड़ी को भी खाना खिला देते हैं मतलब कि पेट्रोल भरा देते हैं और इसके बाद <laughs> करते हैं आगे की सफर जारी रहेगा आगे तो चलिए और अब हम यहाँ पे सब बैठ के सब मतलब कि हमारा सब यही है हम तीनों जने मैं पंकज और सिया तो हम तीनों बैठ के यहाँ पे अब हमारी टक पार्टी कर रहे हैं टक पार्टी मतलब मेरा ये तुम लोग क्या खा रहे हो हाँ इनका ये रहता है हमेशा तो हम लोग ये खा रहे हैं और वेट कर रहे हैं किसी का चोरी हो रही है देखिए चोरी हो रही है बहुत तेज़ चोरी हो रही है हाँ देखिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं किसका किसका बताइए आप लोग रोक के वीडियो को रोक के कमेंट पे लिखिए चिटिंग मत करिएगा किसका वेट कर रहे हैं और जैसे ही वो आ जाएगा तो फिर मैं आपको मिलाऊंगी उससे ठीक है तो उससे पहले लेकिन आप लोग बिना देखे कमेंट में लिख के बताइए प्लीज़ कि हम लोग किसका वेट कर रहे हैं तो आप लोग भी खाइए आइए मेरे साथ चलिए आप लोग भी लीजिए ठीक है चलिए तो फिर हम लोग ये खाते हैं फिर आगे बात करते हैं आप लोगों से तो लीजिए आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई मतलब कि अब आपके सामने आ रही है पहाड़ों की रानी जो कि पठानकोट को हिमाचल से जोड़ती है और पठानकोट से होते हुए जोगिंदर नगर तक जाती है जोगिंदर नगर इसका लास्ट स्टेशन है मतलब इस बीच में इसको बहुत सारे स्टेशन मिलते हैं जैसे ज्वाली लगा लीजिए हरसर लगा लीजिए और नगरोटा सूर्या बहुत सारे स्टेशन है जो यहाँ से होते हुए मतलब ये गुजरती है तो ये देखिए अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अधिकतर लोग आ, हिमाचल के लोग या फिर पठानकोट के लोग भी जो हिमाचल जाते हैं या हिमाचल से जो पठानकोट आते शॉपिंग के लिए इसी का इस्तेमाल करना ज़्यादा सुविधाजनक लगता है तो देखिए आ गई हमारी पहाड़ों की रानी इसका हम वेट कर रहे थे तो बहुत सारे स्टेशन को और पठानकोट को हिमाचल से जोड़ता है या फिर हिमाचल को पठानकोट से जोड़ता है ये तो देखिए चली गई और अब यहाँ पे जो है गेट बंद हुआ था तभी हम रुके थे तो जब आगे चलते हैं और करते हैं अपना हिमाचल के सफ़र को जारी रखते हुए ले जाते हैं आपको अपने हिमाचल मतलब अपने हिमाचल मतलब कि फेवरेट हिमाचल घुमाने के लिए मतलब सबसे अच्छा लगता है पहाड़ ठंडी वादियाँ सुंदर हरे हरे पहाड़ साफ सुथरे रास्ते किसे नहीं अच्छा लगता है कुछ ही देर में जो है हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं लेकिन डेस्टिनेशन मतलब आ, तो अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं गुलेर गुलेर में जो है हमारी छोटी मौसी जी और जी रहते हैं मतलब कि पंकज के जो जी मौसी जी हैं वो रहते हैं उनका वहाँ पे घर है तो काफ़ी टाइम से हम उनके पास गए नहीं थे आई थिंक लास्ट हम लोग 2019 में उनके पास गए थे वरना तो मतलब आलम ये था कि जब भी हम गर्मियों की छुट्टी में आते थे तो मौसी जी के पास ज़रूर जाते थे आ, एक यहाँ पे गुलेर में और उषा मौसी जी जो पहले धर्मशाला में थी जिनका मैंने आपको दिखाया भी था कि पठानकोट में मैंने आपसे मिलाया था तो पहले वो धर्मशाला में ही पोस्टेड थी तो हम उनके पास जरूर जाया करते थे आपको तो पता ही है कि धर्मशाला गुलेर मतलब हिमाचल में है ये सब तो यहाँ जाना किसे नहीं अच्छा लगता है और ये देखिए कितनी सुंदर वादियाँ हैं और आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो एक चीज़ नोटिस किया होगा कि देखिए गाड़ियाँ गाड़ियों के लिए मतलब रास्ते कितने साफ कितने अच्छे और ये मैं आप मानिएगा कि हवा इस वक्त इतनी बाहर ठंडी और अच्छी चल रही थी ना कि बस आप पूछिए मतलब अगर आप लोग होंगे तो ज़रूर इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को और मानेंगे कि मैंने सच कहा था आपको और ये लिंक रोड है लिंक रोड भी देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया है बिल्कुल अच्छे और कह सकते हैं आप कि पक्के रास्ते हैं और पहाड़ पहाड़ की वादी और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी देखिए सामने ना ये ढाक के फूल देख रहे हो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आपको याद होगा कि ढाक का फूल एक चैप्टर होता था जब हम लोग क्लास वन टू में होते थे कि होली के टाइम ये फूल आते हैं और इनका जो है रंग बनता है नेचुरल कलर आजकल तो केमिकल कलर बहुत सारे मतलब बनने लग गए हैं तो ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जो और फूलों से जो रंग बने होते हैं वो सबसे प्राकृतिक होते हैं नेचुरल होते हैं और अच्छे होते हैं तो यहाँ पे देखिए मंदिर है आ गया अब दर्शन कर लीजिए आप लोग भी माथा टेक लीजिए है ना तो अब आप देखिए ये देखिए रेलवे ट्रैक अब आगे जो है गुलेर का स्टेशन है तो ये रेलवे ट्रैक वही है जो हमें हमें पीछे ट्रेन मिली थी ये सब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वो जो ट्रेन है हिमाचल और पंजाब को जोड़ती है तो वही ये रेलवे ट्रैक है इसको क्रॉस करते हुए हम अब गुलेर पहुंचेंगे कुछ ही देर में तो इससे पहले कि हम गुलेर पहुंचे मतलब गुलेर तो खैर हम पहुँच गए मौसी जी के घर पहुँचे मैं आपको दिखा देती हूँ ये गुलेर का स्टेशन है यहाँ से देखिए आप ये ट्रेल ट्रैक जा रही है ये जाती है कांगड़ा की तरफ और ये देखिए आपको दिख रहा होगा शायद मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को दिखा पाऊँ कि यहाँ पे जो है सामने ये रेलवे ट्रैक आएगा अब सॉरी रेलवे ट्रैक तो खैर है ही साथ में रेलवे स्टेशन भी है गुलेर का ये देखिए यहाँ पे टिकट घर भी है गुलेर का अगर मुझे मौका मिले तो मैं आप लोगों को ज़रूर सामने से पास से जा दिखाऊँगी इसको और अब हम पकड़ते हैं मौसी जी के घर का रास्ता जो कि बिल्कुल ही पास आ चुका है मतलब कोई सेवन टू एट हंड्रेड मीटर रह गया होगा मौसी जी का घर यहाँ पे ये छोटी छोटी दुकानें हैं शॉप्स हुई हैं और एक ये रास्ता ये भी है अगर हम बाहर से आए मतलब इस तरफ से आते हैं तो ये रास्ता भी है गुलेर को आने के लिए अभी हम पठानकोट के रास्ते अगर हम हिमाचल से आते हैं ज्वाला देवी के रास्ते से तो वो रास्ता था जो भी अभी अभी मैंने आपको दिखाया था और आपको अब आप मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोग जो है आ, नेचुरल सोर्स से मतलब नलों से पानी कम पीते हैं लेकिन नेचुरल सोर्स से पानी ज़्यादा पीते हैं नेचुरल सोर्स यानी कि मैं दिखाती हूँ ये देखिए ये बच्चे जो है पानी लेने इनके हाथ में घड़ा है ये लेके जा रहे हैं देखिए और सामने भी कुछ लेडीज आ रही है महिलाएं आ रही है वो पानी लेके आ रही हैं ये जो पानी ला रही हैं देखिए ये देखिए सभी लोग जो है पानी लेके आ रहे हैं ये असल में किसी नल से पानी नहीं ला रही ये मंदिर है यहाँ पे इस मंदिर के अंदर जो है प्राकृतिक तरीके से पानी निकलता है मतलब जैसे जल स्रोत कहते हैं ना तो वो पानी आता है बहुत अच्छा होता है मौसी जी के घर में भी वही पानी का इस्तेमाल होता है तो वो खाना पचाने में डाइजेस्ट करने में बहुत ही सहायक होता है आप लोगों को पता ही होगा कि पहले इसी तरह का लोग पानी पीते थे जो जिसे हमारे आम भाषा में हम लोग मूल का पानी भी कहते हैं तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए ना तो चलिए अब बस हम मौसी जी के घर पहुंचने वाले हैं आ गया मौसी जी का घर अब मैं आप लोगों को मौसी जी से मिलाती हूँ हमारी मौसी जी जो है गवर्नमेंट टीचर है मौसा जी भी गवर्नमेंट जो है टीचर थे पहले और प्रिंसिपल थे एक्चुअली वो और प्रिंसिपल थे तो प्रिंसिपल की पोस्ट से वो अभी अभी रिटायर हुए अभी भी वो किसी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट में तो ये लीजिए मौसी जी का घर आ गया और ये रही हमारी कमला मौसी जी आप लोग इनसे मिल लीजिए और इन्होंने थोड़ा सा अपना किचन गार्डन बना रखा है पीछे की साइड बैक साइड भी है इनका किचन गार्डन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ये देख लीजिए चलिए तो अब हम चाय पीते हैं गुड़िया ने हमारे लिए चाय और गरम गरम पकौड़ी बनाए थे यहाँ पे ये पंकज जो है मौसी जी के साथ बैठ के कुछ बातें करने में लगे हुए थे अपनी होती है ना बहुत दिनों बाद मिले तो मतलब अप्रॉक्स हम टू ईयर्स बाद दो साल बाद मौसी जी से मिल रहे हैं तो वही हमारी बातें चल रही थी और ये देखिए गुड़िया गुड़ियाँ पे पकौड़े बना रही है और हम गर्म गर्म पकौड़ों का आना देखिए चाय और चाय उसने बहुत ही बढ़िया बनाई थी मैं फिर से कहूँगी बहुत बढ़िया चाय बनाई थी बिल्कुल मीठा कम और बहुत टेस्टी तो यहाँ पे भी हमने देख लीजिए ये डार्क बंगला बना लिया है और अब मैं सर्व करके थोड़ा सा जो है मौसा जी को देती हूँ टेस्ट करने के लिए कि कैसा बना है देखने में तो ठीक लग रहा है अब खा के बताएंगे क्योंकि वही होता है कि इतनी बार आप बनाओ टेस्ट अलग ही आता है थोड़ा सा और यहाँ पे हमारे राइस बन रहे हैं और मौसी जी यहाँ पे बना रही है चिकन राड़ा ठीक है तो चलिए अभी मैं इनको टेस्ट करने के लिए देती हूँ फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से